नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए गेम प्ले वीडियो में। और आज हम खेल रहे हैं डाइंग लाइट टू स्टे ह्यूमन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि एडन जो है वो बहुत ज़्यादा है लूकस के कातिल की तलाश में, और उसके बाद हमको जो ह्यूबर्ट नाम का बंदा होता है जिसको हम कातिल समझ रहे थे, वो बताता है कि उसने जो लूकस का वेपन था वो एक बंदे के पास देखा था। एक्चुअली उसने एक बंदी के पास देखा था, तो उसकी वजह से हम चल पड़े हैं उस बंदी की खोज खबर लेने के लिए। और उस बंदी का नाम है माया। तो दोस्तों, हमें जल्दी से चल के उस बंदी की तलाश करनी है और उसके बाद देखेंगे कि उसका करना क्या है। ओ भाई, मैं तो फंस गया यहाँ पे, थोड़ा घूम के चलना पड़ेगा। और दोस्तों, रात का टाइम है तो नीचे तो बहुत ही ज़्यादा एनिमीज हैं, तो मैं नहीं चाहता कि एनिमीज से अपना सीधा मुकाबला हो जाए, तो इस वजह से मैं थोड़ा रूफ टॉप से होके चलूंगा, क्योंकि रूफ टॉप कंपैरेटिवली इजी भी होता है और थोड़ा सा सेफ भी होता है। मतलब 100% सेफ तो नहीं कहेंगे, बट काफी काफी हद तक सेफ होता है। ओके, कुछ बोनस टाइप का मिला है, ठीक है, अच्छी बात है। और अभी हमको जाना है सीधे की तरफ। ओ भाई साहब, इस घर के अंदर कितने ज्यादा एनिमीज हैं। ठीक है, मैं तो जंप करता हूं और जल्दी से चल ऊपर, वरना मैं फंस जाऊंगा इनके बीच में। एक्चुअली स्टैमिना रात में अपना बहुत ही जल्दी डिप्लीट होता है, उस चक्कर में क्या है कि अगर हम ऊपर नहीं पहुंच पाए तो नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिरने का मतलब तो दोस्तों आप जानते ही हो, ज़ॉम्बीज के बीचों बीच गिरना, और ये तो कोई नहीं चाहेगा। ओ भाई साहब, छत पे भी टहल रहे हैं। छत पे कहां से आ गए यार ये? मैं तो सोच रहा था कि छत पे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों रात में ये छत पे भी आ जाते हैं। ओ भाई साहब, पीछे अभी है क्या? मुझे लगा आवाज से कि पीछे और भी है। खैर कोई बात नहीं, अब इनको मारा है तो लूट ले ही ले ली जाए। ओके, यहाँ पे हमको ये यूवी श्रूम्स या मशरूम कह लें वो मिले हैं, और यहाँ पे तो भाई हनी भी है, तो मैं हनी कलेक्ट करता हूँ। यार हनी तो बहुत ही जरूरी है अपने लिए, और ये अपनी काफी हेल्प करता है मेडिसिन क्राफ्ट करने में। ओके, यहाँ पे जो दूसरा इंग्रेडिएंट है मेडिसिन का वो ये फ्लास है, और ये भी हमको मिल गए। तो अब पहले तो मैं मेडिसिन क्राफ्ट कर लेता हूँ यार, पर फिलहाल और कुछ क्राफ्ट करने की हालत में अभी अपने है नहीं। ये जो लॉक पिक है वो कर सकते हैं, तो चलो भाई उसको भी कर लिया मैंने। और फिलहाल तो मैं चलूंगा आगे की तरफ, और मैडम माया से मिलना है यार। ओके फ्रेंड्स, तो अभी दिन निकल आया है, और यहाँ पे कुछ मुझे पता नहीं ये एनिमीज हैं या दोस्त हैं। और यार ये देख के तो दोस्त ही लग रहे हैं ना, मतलब ये नॉर्मल सर्वाइवर्स हैं, ठीक है, इनसे हमको कोई खतरा नहीं है, तो हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो भाई, वो सामने जो हमको जगह दिख रही है हमको पहुँचना है वहाँ पे। ओ भाई साहब, बहुत ही लॉन्ग जंप थी, खैर हम लोगों ने आसानी से पूरी कर ली, तो अभी हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं और मैडम माया की तलाश कर सकते हैं। ओ भाई, I think a bee stung me. Damn it. ओ भाई, ये इन्फेक्टेड है, तो इसको मार देना चाहिए। खैर लड़की उसके साथ में है, तो जब तक वो जिंदा है मैं उसे मारना तो नहीं चाहूंगा। ओके ठीक है, यहां से नीचे जंप कर सकते हैं। और भाई साहब कितनी दूर है? ओके ठीक है, जल्दी से चलते हैं हम, 192 मीटर्स। और यहाँ पे मुझे ज़ॉम्बीज के गरजने की आवाज आ रही है, तो मैं ज्यादा देर रुकने वाला नहीं हूं यहाँ पे किसी भी हालत में। ओ भाई, इधर कुछ है क्या? कुछ नीचे हो सकता है, बट ओके यार ये लालच भी ना मुझे डुबवाएगा किसी दिन। ठीक है, मैं यहाँ पे लूट ले लेता हूँ अगर कुछ मिलता है, तो फिर चलेंगे अपने मेन मिशन पे। ओके, स्क्रैप वगैरह थोड़ा मिल गया है, और कुछ ज्यादा खास नहीं मिला है। ठीक है, ये तो लॉक के दूसरी तरफ है, तो फिलहाल मैं चलता हूँ वापस ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आइटम हमको मिला नहीं। तो अभी ऊपर चल के मैडम माया से मिलना है यार, जल्दी से उनके पास पहुंचते हैं यार। मतलब देखे तो उन्होंने ही लूकस को निपटाया है क्या? ओ भाई साहब, तुम लड़ने के मूड में हो क्या? ठीक है, लगता तो नहीं।
और काफी ज्यादा सर्वाइवर्स दिन में हमको मिलते हैं, और हालांकि सारे अपने दोस्त तो नहीं होते हैं, काफी दुश्मन भी होते हैं। और ये देखो बावला हो रखा है, धूप की वजह से इसके दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है। मरा, मतलब देख रहे हो धूप की वजह से इनके अंदर से धुआं निकल रहा है, वो देखो टहल रहे हैं दो। खैर लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं अपने मिशन पे चलूंगा पहले तो। ओके इधर चल रहा है ऊपर अपने को, चलो भाई फटाफट चलते हैं। और कितनी दूर है, 80 मीटर्स बस, तो चलो भाई फटाफट दौड़ लगा देते हैं। और ग्राउंड में अभी भी ये ज़ॉम्बीज टहल रहे हैं। ओके यहाँ पे इनहैबिटर कंटेनर है, तो चलो भाई ये भी अपना अच्छी चीज पता चली। तो भाई देख लेते हैं कहाँ पे कंटेनर है। ओ ओ भाई देख के, और मुझे लगता है सामने साइड में कंटेनर होना चाहिए, बट ठीक है काफी ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमको। ओ भाई बाल बाल बचे, चल भाई चढ़ जा जल्दी से। एडन मैं नहीं चाहता बैंड बज जाए। ओके खैर हम यहाँ पे अटक गए हैं, वो देखो नीचे टहल रहे हमारी तलाश में ही कि जल्दी से हम नीचे गिरे और हमको ये ब्रेकफास्ट में दावत उड़ाए हमारी। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम जल्दी से कैसे पहुंच सकते हैं ऊपर। चल भाई चढ़ जा। ओ भाई नीचे नहीं जाना है ऊपर चलना है यार, क्या करता है एडन। ओके लोकेशन तो पास की ही है, कितनी दूर है भाई। अंदर चलना है क्या यार, ये मत बोल यार मेरे से। अगर अंदर चलना है तो यहां पे तो ज़ॉम्बीज भरे पड़े होंगे, इतना तो मैं डैम श्योर हूं। और कंटेनर यहां पे हमको मिलने वाला है, तो मैं पहले कंटेनर की तलाश करता हूं। और दिन में तो भाई ज़ॉम्बीज जितने ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि दिन में वो धूप की सनलाइट में जो यूवी रेज होती हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और इस चक्कर में वो घरों के अंदर छुप जाते हैं। खैर जो भी है मुझे तो आगे बढ़ना है वो। ओके उठा ले सब जितना भी मिल रहा है। ओ कोई यहां पे है, कौन है भाई यहां पे। क्योंकि ज्यादा डार्क में रहने पे एक्चुअली मेरे अंदर भी वायरस है, तो इस वजह से वायरस मुझे नुकसान पहुंचा सकता है जब मैं ज्यादा अंधेरे में रहता हूं ज्यादा देर तक। तो अभी तो मुझे ढूंढना है मैडम माया को। ओ भाई कहां पे है माया, बेबी बेबी कहां पे हो तुम, जल्दी निकल के सामने आ जाओ। ठीक है मैं देख। ओ भाई ये कैसी आवाज है, कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। ओके यहां से ये छुपा हुआ रास्ता था, वही मैं कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। और दोस्तों एक और हमको मिल गया है इनहिबिटर, और ये अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आएगा। तो भाई ओके इनहिबिटर तो मिल गया है, और माया कहां पे है ये देखना है मेरे को। तो चलो भाई देखते हैं मैडम माया कहां है, और ये कौन है, ये तो कोई बच्चे हैं। Hey kids, I'm looking for a woman named Maya. It was so funny. अबे हंस क्यों रहा है तू? Maya ain't a grown up. She's just a plain old girl. Oh my god. ये माया है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे पीस कीपर का वेपन छीन सकती है? Maya, I need that weapon. It's very important. You expect me to just hand that brass Uzi what's it over? Are you nuts?
The Whoozy What's Its real name is the last. ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माया जो है वो एक बच्ची निकलेगी और इतना खतरनाक वेपन लेजारिस एक बच्ची के पास होगा. ओ भाई 500 यार ये कुछ ज्यादा पैसा है, थोड़ा सा कम ले ले. Life's damn expensive. I have to buy water and a marker for my brother. Oh, भाई कितना decent बात करती है कि मुझे पानी खरीदना है यार. Deal. Nobody wanted to buy it anyway. Oh, भाई 500 थे, 500 से 10 पे आ गई. मतलब ठीक है, जो भी करेंसी इनकी चलती है. तो फिलहाल तो लेजारिस तो हमको मिल गया है. और अभी हमको वापस जाना है एडिटर के पास में, वो नया कमांडर जो है. और यार इस बच्ची को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो. ओ भाई मजे ले रही है, फाइंडर्स वीपर्स लूजर्स ब्ला ब्ला ब्ला. तो दोस्तों अब अपना काम हो गया है, हमको लेजारिस तो मिल गया है, वो वेपन जो लूकस के पास से गायब हुआ था. तो अब हमको निकलना चाहिए. It'll make the perfect birthday present for him. Though I have no idea when that prick was born. I'll be near metro station. तो चलो भाई लोग फटाफट चलते हैं वापस उसको. Your weapon is almost broken. ओ भाई ठीक है कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे आगे. और ऊपर चलना है मुझको, 375 मीटर दूर जाना है. और काफी डिस्टेंस है वैसे ये, बट कोई बात नहीं. I will manage. इतना लंबा कूदूंगा यार चोट लग जाएगी. ठीक है और कोई रास्ता देखता हूँ, क्योंकि पीस कीपर के कमांडर के पास हमको जल्दी से जल्दी पहुंचना है. ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब देख के. और अगर यहाँ पे कोई अच्छी चीज लूट वगैरह मिलती है तो मैं वो भी ले लूंगा. ठीक है यहाँ से दूसरी तरफ हम जंप कर सकते हैं. ओ माय गॉड ठीक है. और अब ऊपर चलने की बारी. चढ़ जा भाई, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे नीचे गिरे ज़ोंबीज के बीच में और उनका ब्रेकफास्ट बन जाए. ओ भाई यहाँ पे एक कंटेनर और है. तो पहले मैं एडिटर के पास रिपोर्ट करूँ जाके या कंटेनर ढूंढू. चलो बाद में आऊंगा मैं कंटेनर ढूंढने, पहले तो मैं ये जो लेजारिस है वेपन इसको लेके चलता हूँ, क्योंकि कमांडर को वो हम रिपोर्ट कर देंगे तो फिर अपना काम बन जाएगा, एक मिशन तो पूरा हो जाएगा. और हो सकता है उस टनल से निकलने का हमको रास्ता भी मिल जाए. तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी से पहुँच के उसको एडर को वो लेजारिस जो भी वेपन था लूकस का इनका एक्स कमांडर का वो सौंप देता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा और ये जो जगह है यहाँ पर अपना काम निपटाऊँगा. ओके तो फाइनली हम आ गए हैं एडिटर के पास में और चलते हैं देखते हैं वो क्या कहता है ये देख के जो हम उसके लिए लाए हैं वेपन लेजारिस. Oh, the pilgrim has returned. I hope not empty-handed. I found the Lazarus. I'll be damned. I was right that you could open doors we couldn't. Where's the fucker who had him? In Meatpacking Square. You didn't let him go, did you? That could have been the murderer. A girl had him. She's भाई वो एक छोटी सी बच्ची थी, वो कैसे मर्डर कर सकती है, 10 साल की बच्ची थी. ठीक है और गेट मी टू द सेंटर. तो पूछते हैं इससे. It's your turn. Get me to the center. Opening the tunnel to the central loop is beyond my pay grade, pilgrim. Command wants me to find the killer. Aider, you promised. Cool down. Oh, भाई ये तो मुकर गया यार, ये कह रहा है कि मैं अभी तुम्हें दूसरी तरफ नहीं ले जा सकता, मुझे पहले मर्डरर को ढूंढना पड़ेगा. और ये बड़ी गलत बात है यार, तू वादे से मुकर रहा है. I have to get to the center. Get it? You're looking for someone, right? I want to go to the central loop too. My wife and kids are there. Oh my God, ये तो खुद ही फंसा हुआ है, इसका बीबी और बच्चा कहीं पे फंसे हुए हैं. इसने बताया था कि इंग्लैंड में कहीं पे फंसे हुए हैं, बट ये टनल के दूसरी तरफ नहीं जा सकता. ये जब खुद नहीं जा सकता तो मेरी क्या हेल्प करेगा घंटा. हद है यार. Lucas managed to wound his killer before he died. Bastard's got to have a nasty gash.
ओके, तो लूकस ने क्या किया था मरने से पहले, जो उससे लड़ रहा था, जो उसका मर्डर किया था, उसके भी काफी घाव लगे थे, तो ये पहचानने में आसानी रहेगी कि किसने उसको मारा है, यानी जो भी उसका मर्डर होगा उसके पास जो है घाव लगा होगा काफी ज्यादा। तो ठीक है, अब बारी है उस मर्डर को ढूंढने की, तो देखते हैं भाई कैसे ढूंढते हैं हम उस मर्डर को। But this is totally hush hush. Word of this cannot get out. Sounds serious. Whoever killed Lucas took a little trophy, carved his tattoo right out of his bloody arm. ओ भाई, मारने के बाद जो उसकी बॉडी पे टैटू लगा था वो इसके नहीं छुटा के ले गया। हद है यार, कितना बड़ा वाला होगा। Desecrated like that, they'd lose their shit, and it would be total war. I'm telling you this because if you find that little trophy, then you found the sick fuck who killed Lucas. Got it. तो फाइनली अब अपना मिशन होने वाला है कि हमको लूकस, जो इनका एक्स कमांडर था पीस कीपर का, उसको मर्डरर को ढूंढना है। तो ठीक है, देखते हैं, क्योंकि अभी अपने पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। इनको इनके बॉस का, या कह ले एक्स बॉस का किलर को ढूंढ के देने के अलावा। हाँ भाई, ओ भाई किधर से रास्ता है? इधर से। ओके, तो अभी हमको चलना है हैकन के पास में, देखते हैं कि क्या कहता है वो, हमको क्या बताएगा। तो फिलहाल तो हम बाहर निकलते हैं, और अभी दिन का टाइम लग रहा है, तो अभी कोई भसड़ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते। और हैकन तो यहीं पे खड़ा हुआ है। Peter wants me to find Lucas's murderer. Only then will he help me get to the center. Not doing his dirty work. Well, that's no surprise. He told me to start with the bazaar. Figures. PK and the bazaar really hate each other. Only two people matter at the bazaar. One is that overblown preacher, Carl. I know that. Who else is there? Sophie, his right hand. She has a way with the bazaar's more rebellious souls. Helps him keep control. There's also Dodger, a local gangster. He knows what's going on, and about the bandits led by Joe. ओके, तो बाजार में केवल दो ही लोग हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं, और एक और भी गुंडा है जिसका नाम अभी कुछ बोला था, मैं भूल गया। और तो चलो भाई बढ़ते आगे की तरफ। ओके, तो अभी हमको जाके बाजार पहुंचना है, और बाजार में जाने के बाद में क्वेश्चन करना है सोफी, जो उनकी बाजार में रहती है। तो चलो भाई लोग चलते हैं, यहां से निकलते हैं। ओ भाई साहब, मैं तो जोश जोश में कांटों की तार के ऊपर चढ़ गया। तो चलो भाई लोग, पहले तो चल लूकस के बारे में कि भाई उसको क्या पता है। जैसा कि हमको हमारे दोस्त हैकर ने बताया, ओ भाई ये नीचे जो बंदे हैं वो पता नहीं दोस्त है कि दुश्मन है, तो फालतू में पंगा लेना अच्छी बात नहीं होगी। चढ़ जा भाई, चढ़ जा। ओके, यहां पे कुछ लूट वगैरह मिलेगी क्या? ओ भाई इधर तो लॉटरी लग गई, यहां पे तो हनी वगैरह सब है, तो मैं फटाफट लूटता हूं सब। तो दोस्तों इतनी ज्यादा लूट मिली है, तो अब मेडिसिन तो क्राफ्ट कर ही ले, वो तो क्राफ्ट करना बनता ही है। तो चलो भाई फटाफट मेडिसिन क्राफ्ट करते हैं, और उसके बाद अगर ये साइड में क्या है भाई, थ्रोइंग नाइफ, ये भी क्राफ्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहां पे और कुछ है क्या? ये क्या है? रेजिन। ओके, यहां पे इनहेबिटर कंटेनर एक और है, तो मैं सोच रहा हूं यार कि एक बार उसको भी देख लिया जाए, क्योंकि सोफी से तो हम कभी भी जाके बाजार में बात कर सकते हैं। तो पहले मैं कंटेनर ढूंढता हूं, अब हो ही जाए। ओके दोस्तों, तो चलो भाई अंदर चल के कंटेनर ढूंढते हैं। Yes.
ठीक है, मैं अच्छी खासी लूट ले रहा था, बीच में आ गया। तो चलो भाई अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कंटेनर कहाँ पे है। और इधर भी, ओ भाई साहब इसको तो ऐसे दबोच दे, फालतू में लड़ाई करने का क्या फायदा जब हम पीछे से इनको स्टील किल कर सकते हैं। ओ भाई और भी है क्या तुम्हारे भाई बंधु? ठीक है इसमें कुछ हो सकता है अपने काम की चीज, अल्कोहल। ठीक है रख लेते हैं भाई, रात में पार्टी करेंगे पूरी पार्टी ज़ॉम्बीज ही क्यों करें। ओके बॉयज तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ भाई पता है कंटेनर नियर बाई, बट है कहाँ पे एक्चुअली में? तो नीचे चले क्या? चलो देख लेते हैं। और ये सो रहा है कि मरा हुआ है? ओ भाई सो रहा था, मुझे लगा ये मरा पड़ा है अभी थोड़ी देर में निपट जाता। ओ माय गॉड ये आवाज कहां से आई? ओके यहां पे और भी बंदे हैं, चलो निपटाते हैं। और कंटेनर नियर बाई है वो तो मुझे समझ आ गया, बट है कहां पे ये देखना पड़ेगा। ओके दोस्तों कंटेनर एग्जैक्टली कहां पे है वो मुझे देखना है। और 5 7 8 ओके यहां पे मे भी ऊपर साइड में हो सकता है, तो मुझे ऊपर चलना चाहिए क्या? ठीक है ऊपर चल के देख लेता हूं। ओ भाई साहब यहाँ पे तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं, तो इनका गेम बजाते हैं जल्दी से। ओके इनके पास तो कुछ मिल ही नहीं रहा। ओके गाइस तो इनहेबिटर कंटेनर मिल चुका है हमको, तो रखते हैं फटाफट और अपग्रेड अवेलेबल। तो चलो भाई जल्दी से स्किल अपने अपग्रेड करते हैं और क्या क्या मिलता है स्किल में ये देखना पड़ेगा। ओके स्टेमिना का एक तो लेते हैं और दूसरा इम्यूनिटी का लेते हैं। ओके एक ही मिला, ओ माय गॉड ये बड़ी गलत बात है। ठीक है तो इसी के साथ दोस्तों हमको इनहेबिटर भी मिल गया और वो सामने खड़े हैं, तो अब देख के मैं इनको जिंदा तो यहां से नहीं जाने दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें। तो दोस्तों देखते रहें वी गेमर्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर, अस्सलाम विस्ता, दस्तेदानिया।